जी ब्रेक में जाने से पहले बारिश की बातें हो रही थी, बारिश की, बारिश के पानी की और बारिशों की कहानी की। बल्कि मुझे तो दिनेश जी वो गाना याद हो गया, आप रात को क्या गुनगुना रही थी कुछ बारिशों का पानी मेरी तो आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है गाने वाली, तो वो ये तो बारिशों का वैसे फ्लू से बड़ा हाल हुआ है। तो वो अगर मैं सुनाना है तो आप सुना सकती हैं मुझे कोई, लेकिन 10 सेकंड के अंदर अंदर से मुझे उसका स्टार्ट ही भूल गया, स्टार्ट भूल गया, स्टार्ट दिनेश जी को भूल गया। लेकिन वसीम अकरम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वसीम अकरम, वो अपना एक अच्छा स्टार्ट लेना बिल्कुल नहीं भूली इस पीएसएल में भी और आखिरी पीएसएल में भी। वसीम अकरम जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है और उनके मेंटोर हैं, बारिश के बारे में ये बात कहते हैं कि उन्होंने 20 साल डेजर्ट में क्रिकेट खेली, लेकिन उन्होंने इतनी बारिश शारजा में कभी नहीं देखी 20 सालों के अंदर इतनी बारिश नहीं देखी जितनी उन्होंने 5 दिनों के अंदर बारिश देखी। तो उनके लिए बड़ी हैरत का बायस थी ये, जिस मैच की हम बात कर रहे थे कि जो मैच टाई हो गया, ये बड़ी अनोखी दास्तान है कि बारिश हो जाना सहरा के अंदर। तो जहाँ बारिश की बात हो रही है, हाँ जी बिल्कुल, बारिश तो, का थोड़ा सा याद आ गया मुझे, बिल्कुल आपका साथ चाहिए थोड़ा, तेरे मेरे कहानी ये बारिशों का पानी बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी जी, तेरी मेरी कहानी। और एक कहानी मेरे पास भी है, लेकिन ये कहानी ऐसे आराम से आपको नहीं बताई जाएगी क्योंकि टाइम हो गया है किलर फैक्टर, किलर फैक्टर जी म्यूजिक चला दें किलर फैक्टर का। हमारा किलर फैक्टर जो है ये है कि बारिश का पानी, दिलनिशी ने कहा इश्क की दास्तान, बारिश का पानी, वसीम अकरम का इश्क, शारजा की हैट्रिक्स, बैक टू बैक हैट्रिक्स, शारजा के अंदर एक बहुत बड़ी दास्तान है। शारजा के अंदर बारिश जो है वो बड़ी कम होती है, जब होती है तो ऐसे होती है कि 5 रोज क्रिकेट नहीं हो सकती। शारजा के मैदान पे 346 मैच खेले गए, 346 मैचों के अंदर सिर्फ ये दूसरा मौका था कि जब बारिश की वजह से एक मौका ऐसा आया कि बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा और फिर बारिश की वजह से दोबारा मैच रिज्यूम हो गया। लेकिन क्रिकेट की तारीख में शारजा के अंदर 346 ओकेजन्स के अंदर सबसे जो मोस्ट दुनिया का वेन्यू बन चुका है क्रिकेटिंग वेन्यू, सिर्फ एक ही ऐसा मौका आया कि जब बारिश की वजह से मैच ना हो सका, और वो यही मैच था पेशावर ज़ेल्बी वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर, जो इसका टॉप फेवरेट गेम थी और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 की सबसे इंपॉर्टेंट और सोल्ड आउट गेम थी। यही था हमारा किलर फैक्टर आपको बताना कि ये जो बारिश थी ये कितने मैचों में कितनी दफा हुई, शारजा में ये होना बहुत अनोखी दास्तान है। जी दिलनिशी जी बिल्कुल, डकवर्थ लुइस की बात करते हैं, पहले जो है इसका नाम डीएल था, अब ये डीएलएस हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ खबर इसके बारे में कि ये डकवर्थ लुइस सिस्टम जो है आप जानते होंगे, जब बारिश की बात हो रही है तो डकवर्थ लुइस से जान कैसे छूट सकती है। डकवर्थ लुइस का मतलब ये है कि जब बारिश की वजह से एक टीम टोटल बनाती है लेट्स सपोज 200 या 150, तो आप दूसरी टीम जो है उसको टारगेट दिया जाएगा, अगर बारिश हो गई है तो वो टारगेट रिड्यूस किया जाएगा और उधर से ओवर्स भी रिड्यूस किए जाएंगे। वो जो ओवर्स कम करने का बैलेंस है और स्कोर कम करने का बैलेंस है, जैसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में हुआ, पेशावर ज़ेल्बी के मैच में हुआ, तो उसमें एक नई टारगेट जो है वो मुखालिफ टीम को दिया जाता है। तो वो किस रूल और फार्मूले के तहत दिया जाता है, उसका नाम डकवर्थ लुइस है, क्योंकि डकवर्थ और लुइस दो ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये फार्मूला इजाद किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली मैच खेले जा रहे हैं, अब डकवर्थ लुइस सिस्टम जो है वो डीएलएस नाम से जाना पहचाना जा रहा है। तो आपको मैं ये बता दूं कि वो डीएलएस डजंट स्टैंड फॉर डकवर्थ लुइस सिस्टम, पहले इसको खाली डीएल कहा जाता था, अब उनके एक तीसरे बाएतमाद साथी का इजाफा हो गया है जिनका नाम स्टर्न है। तो अब ये डकवर्थ लुइस स्टर्न और स्टर्निंग के नाम से कहा जाता और है डीएलएस के नाम से, क्योंकि अब एक तीसरा साथी भी जो है इस साइंस के अंदर जो है वो शामिल हो चुका है। ये जो मैथ्स की साइंस है, आपको पता है कि दिलनिश जी साल गिनने में बड़ी माहिर हैं, मैथ्स में बड़ी माहिर हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि डकवर्थ लुइस सिस्टम को, अब जो डकवर्थ लुइस स्टर्न सिस्टम है इसको डीएलएस डी हो जाना चाहिए। दिलनिश जी को इनका साथ देना चाहिए कि जो सालों की दास्तान है कि कितने साल हुए, क्योंकि ये कहती है कि मैथ बड़ा इनका
जो है वो पावरफुल है। आने वाले प्रोग्राम्स में मैं ज़रूर ये चेक करूँगा कि इनका मैथ कितना पावरफुल है। जी दिनेश जी, हाँ जी बिल्कुल, अभी मैथ नहीं बताऊँगा, अभी आप दे सकती हैं मज़ीद अपडेट्स। जी बस मज़ीद अपडेट्स ये देंगे। बैक टू PSL, और PSL की बात करते हैं, गुल जो हैं उमर गुल, कोटा ग्लेडिएटर्स का बाएतमाद नाम, एक ही नाम उमर गुल जी, बिल्कुल वो आउट हो गए PSL से। क्यों? क्योंकि वो इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए हैं जी। ये किस कदर खतरनाक हो सकती है ये खबर विव रिचर्ड्स और अहमद शहजाद और सरफराज अहमद की टीम के लिए, ये अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि प्लेऑफ्स में कोटा ग्लेडिएटर्स ऑलमोस्ट खेलने को है, और इस इम्पॉर्टेंट और नाजुक दौर से जब गुजर रहा है कोटा ग्लेडिएटर्स, अब ये देखना होगा कि ये जो सदमे से दो चार हुए हैं उमर गुल से, अब इसका अल्टरनेट क्या होगा और क्या कोटा की टीम इससे कोप अप कर सकती है कि नहीं। जहाँ पर उमर गुल की बात हो रही है, कोटा ग्लेडिएटर्स की बात हो रही है, कोटा ग्लेडिएटर्स का एक और शाहकार उनकी डायमंड कैटेगरी केविन पीटरसन, इंग्लैंड का बड़ा नाम, इंग्लिश क्रिकेट का बड़ा नाम। कैसे हो सकता है कि हम केविन पीटरसन को याद ना करें? केविन पीटरसन को बहुत से हवाले से याद किया जाता है, धुआंधार इनिंग्स के हवाले से, एशेज जितवाई थी इंग्लैंड को बड़े अरसे बाद, कई सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में, उस हवाले से, लेकिन एक और हवाले से भी याद किया जाता है, लेकिन केविन पीटरसन उस हवाले से अपने आप को याद नहीं करवाना चाहते। वो हवाला क्या है ये आपको दिलनिशी बताएंगी। जी बिल्कुल, उसके केविन पीटरसन की हम डायमंड डक के बारे में बात करेंगे। केविन पीटरसन जो है डायमंड डक के बारे में बात करेंगे, दिलनिशी ने कहा, और डायमंड डक जो है वो उन्होंने हासिल की, कोई फख्र की बात नहीं है, इतने हंसने की बात नहीं है, दिलनिशी बहुत हंस के बता रही थी ये खबर, रोने का मकाम है उनके लिए, लेकिन ये है कि डायमंड डक जो है, मैंने भी खेली है अपने मेडिकल कॉलेज के जमाने में, और उसमें ये था कि आपकी डायमंड कितनी थी, आपकी मेरी एक भी नहीं थी, आपकी आप इनकी वाकई इनकी डायमंड एक भी नहीं थी, गोल्डन गोल्डन थी मेरी, मैं खुद मानती हूँ गोल्डन डक थी मेरी, लेकिन एक डायमंड डक नहीं थी। मैं हैरान ये हो रही थी कि केविन पीटरसन जैसा बड़ा प्लेयर जो है उसकी डायमंड डक हो गई। अच्छा तो अच्छा, अब हंसने की बात जरूर है, जो अगली बात है, पहली हंसने की बात नहीं थी, अब हंसने की बात यह, अब हंस सकती है कि एक खिलाड़ी जो है बड़ा खुश है दिलनिशी की तरह कि जो डायमंड डक भी ली और वो मजीद डक्स भी ले रहे हैं, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि उमर अकमल है। उमर अकमल जो है वो 24 डक्स ले चुके हैं और कंधे उचका के कह रहे हैं सो व्हाट, बड़े प्लेयर्स की निशानी, वो कह रहे हैं कि केविन पीटरसन ने भी तो डक्स ली है, मेरे ऊपर इतनी क्यों तनकीद हो रही है। तो वो बड़े इस वक्त उमर अकमल जो है बड़े रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये अगर केविन पीटरसन ले सकती हैं तो मैं इतनी डक्स क्यों नहीं ले सकता। अब केविन पीटरसन और उमर अकमल के अंदर ऑल टाइम करंट प्लेयर जो खेल रहे हैं उनमें एक डक्स की दौड़ जारी है। लेकिन ये डक कैसे ली गई बताता हूँ आपको कि ये डायमंड डक थी। डायमंड डक में उन नाज़रीन को बताता चलूँ जो नहीं जानते कि डायमंड डक और गोल्डन डक में फ़र्क क्या है। सिंपल डक ये है कि आप जो विराट कोहली ने भी हासिल की, दो बॉल खेलने के बाद उन्होंने निक किया और फर्स्ट स्लिप में स्मिथ को कैच पकड़ाया, दिस वॉज द डक। जब डायमंड डक, जब गोल्डन डक की बात करते हैं तो बैट्समैन ने जब बॉल को फेस किया हो और पहली बॉल पे जीरो पे आउट हो जाना, दिस इज द गोल्डन डक। और जब बैट्समैन क्रीज पे आए और बगैर कोई बॉल फेस किए हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हो और आउट हो जाए, रन आउट हो जाए या किसी और मसले से आउट हो जाए, तो दैट इज अ डायमंड डक। तो डायमंड डक हासिल करने वाले वो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले खिलाड़ी नहीं है बल्कि दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उनको रन आउट किया वो इस पाकिस्तान सुपर लीग की डायमंड डक हासिल करने वाले पहले बदकिस्मत खिलाड़ी हैं। जी हाँ, मेरा इशारा कराची किंग्स के इमाद वसीम की जानिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक उभरता हुआ सितारा इमाद वसीम, जो कराची किंग्स का हिस्सा है, पाकिस्तान सुपर लीग की जो पहला एडिशन था जब दुबई में खेला जा रहा था, तो वो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने डायमंड डक हासिल की थी। और जब इस पाकिस्तान सुपर लीग में केविन पीटरसन वो दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने डायमंड डक हासिल की थी, तो उनको रन आउट करने वाले कोई और नहीं बल्कि कराची किंग्स के इमाद वसीम ही थे। और कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने 13 डक्स टोटल अब हासिल कर लिए हैं, आपको शायद मालूम है कि नहीं, जो 13 डक्स हासिल किए हैं उन 13 डक्स के अंदर 11 डक्स जो हैं वो गोल्डन डक्स हैं। 13 में से 11 डक्स गोल्डन हैं
और एक जो है वो डायमंड डक है। चलो एक तो फिर बनती है। लेकिन ये सोचें कि केपी के लेवल का बैट्समैन, और ये बड़ी अचंभे की बात है कि उनके पास इतनी गोल्डन, विराट कोहली की भी बात बताएंगे आपको आगे चल के, बड़े प्लेयर्स की निशानी है। हाँ, लेकिन विराट कोहली के पास अभी एक भी गोल्डन या डायमंड डक नहीं है, लेकिन इनकी डक्स के अंदर इतनी ज्यादा गोल्डन डक्स होना ये एक बड़ी अचंभे का बायस है। तो जहां गोल्डन रंग था, उन्होंने कहा कि अगर मैं डायमंड कैटेगरी में आया हूं तो व्हाई नॉट द डायमंड डक। ओह, दैट्स व्हाई।